तो फाइनली गाइज यार गेम के अंदर आने वाला एक न्यू इवेंट जो कि गाइज यार सेंटा सरप्राइज इवेंट। एंड आज की इस वीडियो के अंदर गाइज हम लोग फोन एनालाइज करने वाले हैं कि ये जो सेंटा स्पिल है क्या आप लोगों को यूज करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। इसका यार हम लोग फोन एनालाइज करने वाले हैं कि ये जो स्पिल हमें देखने को मिल रहा है सेंटा सरप्राइज वाला स्पिल, ये कैसा स्पिल है। हम लोग पूरा एनालाइज करेंगे और लास्ट में आप लोगों को कंक्लूजन दूंगा कि क्या आप लोगों को ये स्पिल यूज करना चाहिए या फिर नहीं, और इसके थ्रू हमें क्या रिवॉर्ड्स मिलेगा वो भी मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जान लेते हैं इस स्पिल के बारे में, क्या क्या खासियत हमें इस स्पिल में देखने को मिल रहा है और ये स्पिल हमें यूज करना चाहिए या फिर नहीं। तो वीडियो में काफी ज्यादा आप लोगों को आएगा मजा एंड काफी ज्यादा अच्छा इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है आज के इस वीडियो के थ्रू। बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक देख लेना ताकि आप लोगों को सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाए, और अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना, और अगर चैनल पर पहली बार आयो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो सबसे पहले गाइस मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि इस स्पिल का जो मतलब क्या क्या इसका परफॉर्मेंस हमें देखने को मिल रहा है। इसका फुल एनालाइज करने के लिए पहले हम देखते हैं कि इसमें हमें क्या क्या चीजें देखने को मिल रहा है। जो इसका गाइस टोटल डैमेज है वो है गाइस 1140 अभी, एंड अभी थोड़ा सा बाकी है, मतलब अप्रोक्स 1200 डैमेज देगा, मतलब लास्ट है 1200 डैमेज ये बेसिस के ऊपर देने वाला है। इसका गाइस अगर हम लोग हॉस्टिंग स्पेस के बारे में बात करें तो ये हॉस्टिंग स्पेस लेता है गाइस 2 का, मतलब इसके जगह पे आप एक रेंज स्पिल भी ले सकते हो। लेकिन गाइस हम लोग एनालाइज करने वाले हैं इस स्पिल का कि इसका डैमेज पर सेकंड कितना है और मतलब टोटल डैमेज हमें कैसा है और इसको यूज करना चाहिए या फिर नहीं। तो सबसे पहले गाइस हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से है ना जो 5 हम लोग ले लेंगे सेंटा स्पिल और एक लाइटनिंग स्पिल हम लोग यहाँ से ले लेते हैं, और यहाँ से चलो हम लोग इसे फिनिश कर देते हैं। एंड फाइनली देखो हमारा जो सेंटा स्पिल है यहाँ पर ट्रेन हो चुका है। अभी गाइस हम लोग चलते हैं इसका अटैक करके देखते हैं कि क्या हमें सेंटा स्पिल यूज करना चाहिए या फिर नहीं एंड कैसा डैमेज मिल रहा है। तो देखो गाइस अभी हमें एक बेस मिला है जो कि पूरी तरीके से डेड बेस है, एंड अभी हम लोग क्या करते हैं कि जो सेंटा स्पिल है यहाँ पे गाइस हम लोग 3 सेंटा स्पिल डिप्लॉय करते हैं एयर डिफेंस के ऊपर। तो देखो गाइस यार 3 सेंटा स्पिल में गाइस मतलब हमारा एयर डिफेंस नहीं डिस्ट्रॉय हुआ है, 2 हम लोग गाइज यहाँ पर ऑल डिस्ट्रॉय करेंगे, मतलब 2 ऑल डिप्लॉय करेंगे। तो गाइज अभी हम लोगों ने 2 ऑल डाला तब जाकर गाइज यहाँ पे हम लोगों ने 1 एयर डिफेंस को निकाला है। मतलब भाई साहब कितना ही गंदा स्पिल है गाइज यार, बहुत ही गंदा स्पिल है सच में ये स्पिल यार। ऐसा ऐसा स्पिल हमारे गेम के अंदर ना दो तो ज्यादा बेटर होगा। अभी गाइज देखो इसके कंपेयर में मैं यहाँ पर आप लोगों को लाइटनिंग स्पिल को कंपेयर करके दिखाता हूँ। अभी गाइज हम लोग टोटल 10 हाउसिंग स्पेस का जो सेंटा स्पिल यूज किया, अभी गाइज हम लोग 10 हाउसिंग स्पेस का जो यहाँ पर लाइटनिंग स्पिल लेने वाले हैं, और एक ले लेते हैं फ्रिज और उसको यहाँ से फिनिश कर देते हैं और चलते हैं गाइज अटैक करके देखते हैं। तो देखो गाइज हमें यहाँ पर एक बेस मिला है एंड 10 हाउसिंग स्पेस का गाइज हम लोग लाइटनिंग स्पिल यूज करने वाले हैं। तो देखो गाइज 3 लाइटनिंग स्पिल मैंने यहाँ पर गिराया और बूम गाइज 1 एयर डिफेंस निकल चुका है, और उसके बाद यहाँ पर हम लोग 3 लाइटनिंग स्पिल डिप्लॉय करेंगे, 1 और एयर डिफेंस निकल चुका है। 3 लाइटिंग स्पिल हम लोग यहाँ डालेंगे, 1 और एयर डिफेंस निकल चुका है। मतलब गाइज आप लोग यहाँ से अंदाजा लगा सकते हो कि ये जो लाइट मतलब ये जो सेंटर स्पिल है वो कितना ही बेकार स्पिल है, बहुत ही घटिया स्पिल है गाइज, मेरे को एक जरा सा भी स्पिल पसंद नहीं है। अभी गाइज मैंने आप लोग को एनालाइज करके दिखाया कि अगर आप 10 हाउसिंग स्पेक्स का यहाँ पर सेंटर स्पिल यूज करोगे या फिर 10 हाउसिंग स्पेक्स का अगर आप एक लाइटनिंग स्पिल यूज करने वाले हो तो आपको बेस्ट वैल्यू मिलने वाला है लाइटनिंग स्पिल में, ना कि यार सेंटर स्पिल में। तो मेरा रिकमेंड है गाइज कि यार इस स्पिल को ना यूज करो तो बेटर होगा। और इसका एक और बात मैं बता दूं कि ये जो इवेंट हमारे गेम के अंदर आने वाला है इसके थ्रू हमें गाइजर कोई भी रिवॉर्ड्स नहीं मिलने वाला है, बस गाइजर ये हमारे गेम के अंदर आएगा और इसे गाइज आप लोग यूज कर सकते हो। तो देखो यार कौन कौन ही यूज करेगा भाई इतने बेकार स्पिल को, जिसका डैमेज पर सेकंड ही बहुत ही खराब है। मतलब यार एक रेंज स्पिल के बराबर इसका स्पिल है, मतलब कैपेसिटी लेता है, और मतलब कितना ही बेकार इसका परफॉर्मेंस है, कितना ही बेकार बहुत ही खराब ये स्पिल है। अगर इसका थोड़ा सा डैमेज अच्छा होता तो हम लोग इधर इस पर यूज भी करते हैं, या फिर इसका जो हाउसिंग स्पेस है वो 1 होता तब हम लोग इसे यूज भी करते हैं। ये स्पिल बहुत ही खराब है, आप लोग यूज ना करो तो ज्यादा बेटर होगा। और प्लस ये इसका ना यूज करने का एक और रीजन है कि इसमें हमें कोई भी रिवॉर्ड्स नहीं मिल रहा है। अगर गाइजर कोई रिवॉर्ड्स मिलता अच्छा खासा तो उस रिवॉर्ड्स मतलब उस मिशन को हम लोग गाइजर कंप्लीट करने के लिए इस वाले स्पिल को यूज भी कर लेते हैं, बट कोई भी हमें रिवॉर्ड्स नहीं मिलने वाला है। तो इस वाले स्पिल को यूज ना करो तो ज्यादा बेटर होगा। एंड बाकी गाइज मैंने आप लोगों को दिखा दिया कि ये स्पिल आने वाला है गेम के अंदर और कैसा इसका परफॉर्मेंस है वो भी मैंने आप लोगों को दिखा दिया। ओवरऑल गाइज यार यही था हमारा आज का वीडियो, आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर गाइज यार वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना। एंड एक और इवेंट आएगा जो कि आइस विजार्ड का है, वो गाइज यार 15 या फिर 20 तारीख के अप्रॉक्स बीच में आ जाएगा। ये सब ये जो स्पिल का इवेंट है ये पहले आ रहा है, और जो आइस विजार्ड का इवेंट है वो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। बाकी गाइज धीरे धीरे करके और भी सारे अपडेट्स आ जाएंगे। तो यही था गाइज हमारा आज का वीडियो, आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना, और अगर चैनल पर पहली बार आयो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि यार 5 के सब्सक्राइबर्स बहुत ही जल्द हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो ये 5 के सब्सक्राइबर जरूर से जरूर कंप्लीट करवा देना। तो मैं मिलता हूँ गाइज आपको अपने नेक्स्ट वाले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।